अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही सौंफ। ये बहुत ही मुफीद नुस्खा है, जिन बच्चों को खांसी रहती है और नजला रहता है, बड़ों को भी, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये 2 महीने इस्तेमाल करने से बच्चे हो या बड़े हो, खांसी और नजला बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1/2 किलो चने लिए हैं, भुने हुए, इनका छिलका उतरा हुआ है। ये सौंफ ली है मैंने, 1.5 कप, 1/4 कप बादाम है मेरे पास, 1 कप मिश्री है, 1 कप मैंने खशखास ली है। पैन के नीचे मैंने हल्की आग जलाई है। आप इसके अंदर चने ऐड करेंगे और इसको रोस्ट करेंगे। चने हल्के से रोस्ट करेंगे। मैं इसलिए इनको रोस्ट कर रही हूँ कि इनकी नमी ख़त्म हो जाए। चम्मच चलाते हुए इनको रोस्ट करेंगे। चनों को मैंने 1 मिनट रोस्ट किया है, ये अच्छी तरह रोस्ट हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सौंफ को भी रोस्ट करेंगे। चम्मच जलाते जाएंगे और इसकी खुशबू आने तक रोस्ट करेंगे। सौंफ के अंदर भी नमी होती है, ये भी ख़त्म हो जाएगी। सौंफ भी हमारी अच्छी तरह रोस्ट हो गई। अब इसको पैन से निकाल लेंगे। इसी तरह बादाम को भी रोस्ट करेंगे हल्का सा। बादाम के अंदर भी जो नमी है वो ख़त्म हो जाएगी। बादाम को अब निकाल लेते हैं, अच्छी तरह रोस्ट हो चुके हैं। इसी तरह मैं खुशखास को भी कर लूँगी रोस्ट। चम्मच चलाते जाएं। खुशखास को भी मैंने 1 मिनट रोस्ट कर लिया, ये अच्छी तरह रोस्ट हो चुकी है। अब इसको निकाल लेते हैं पैन से। अब मैं सारी चीज़ें पीस लूँगी। सबसे पहले मैं सौंफ पीस लेती हूँ। सौंफ को मैंने पीस लिया। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। बिल्कुल बारीक पीसनी है। अब मैं चने पीस लूँगी, इनको बारीक पीसना है। अब मैं बादाम पीस लेती हूँ, बादाम को भी बिल्कुल बारीक पीसना है। खशखास और मिश्री को, दोनों को इकट्ठा पीसूँगी। खशखास बारीक होती है, पीसती नहीं है, तो मिश्री के साथ अच्छे से पीस जाएगी। सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल बारीक पाउडर कर ली हैं। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को, इस तरह से। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं। आप ये बना के रख लें, जैसे मर्जी बच्चों को खिलाते जाएं। 6 महीने के लिए भी रख सकते हैं आप, ये ख़राब नहीं होती। इसको मैंने एक बाउल में निकाल ली है। आप इसको स्टोर करने के लिए एक एयर टाइट जार भी रख लें और जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। इसकी आप 1 टेबलस्पून सुबह खाएं और 1 रात को खाएं। डेली खाना है, 2 महीने तक लगातार खाते रहें, आपका नज़ला खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और दोस्तों में शेयर करें, रिश्तेदारों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।